सोलन के विभिन्न क्षेत्रों में महिला दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन सोलन शहर में कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जिन्हें महिला दिवस की कुछ भी जानकारी नहीं थी। कुछ महिलाओं को अगर जानकारी भी थी, लेकिन महिला दिवस पर मनाती नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि ये महिलाएं अपने परिवार की जिम्मेवारियां अपने कंधों पर उठाए हुए थी। उन्हें महिला दिवस से ज्यादा खुशी ग्राहकों को सामान बेचकर हो रही थी, लेकिन ये सभी गरीब महिलाएं आज के दिन प्रदेश सरकार से बेहद खुश नजर आई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सहयोग से उनका व्यवसाय फिर से चल निकला है। महिलाओं से जब महिला दिवस के बारे में पूछा गया तो कुछ को इस दिवस की जानकारी थी तो कुछ को नहीं, लेकिन कामकाजी महिलाओं को इस दिवस के प्रति कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने कहा कि वे कामकाज में इतना व्यस्त रहती हैं, इसलिए वे इस दिवस को नहीं मना सकती हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में उनका व्यवसाय बिल्कुल खत्म हो चुका था, लेकिन भाजपा सरकार ने उन्हें 10,000 का ऋण उपलब्ध करवाया, जिसकी वजह से आज वे फिर से व्यवसाय चलाने में सक्षम हुई है। वहीं खाने के लिए राशन भी उपलब्ध करवाया गया, जिसकी वजह से आज वे बेहद खुश हैं। हाँ, हम जानते हैं आज वुमन डे है, आज लेडीज का दिन है, औरतों का दिन है। नहीं, उस हिसाब से इस बार का जो वुमन डे है ना, इसमें बहुत ही वो अलग ही लग रहा है, कुछ हल्का सा लग रहा है, वो रौनक नहीं लग रही है लेडीजों के बीच में। जैसे हम जाते थे पहले सब लेडीज लेडीज मिल के ना अपना वुमन डे बनाते थे, इस बार ऐसा कुछ नहीं लग रहा, हम अपने काम में ही बिजी है। सरकार की तरफ से ये है कि अभी जो हम लोगों को फड़ी जो हम लगाते हैं ना, हमारे को 10,000 लोन मिला है काम के लिए। कोरोना के जो महामारी में हम लोग बहुत ही डाउन हो गए थे, इसके लिए हमारे को मदद मिली है सरकार की तरफ से 10,000 के लिए। क्या है, वाकई में काफी है। इतना तो अब क्या करें, अभी तो गुजारा करना ही पड़ रहा है। जब लॉकडाउन था कुछ नहीं था तब भी गुजारा करते थे हम, अब भी कर ही रहे हैं। तो यार पुराने कपड़े बेचते, फेरी फूरी लगाते, बर्तन बर्तन बेचते। तो क्या आज आप जानते हैं कि कौन सा दिन है आज? आज जानता आज का पता नहीं क्या दिन है मेरे को तो। माता जी, आज महिला दिवस है, तो महिला दिवस पर क्या आप वाकई में मानते हैं कि आज महिला दिवस मनाया जा रहा है? मनाया जाता है, हमारे को इतना पता नहीं है, हम जानते नहीं इतना। सरकार ने जनता से कड़ी मदद हुई है, राशन उशन खिलाते थे, अब लॉकडाउन में लाते थे वही खाते थे, ऐसे काम कुम तो कुछ नहीं थे। मेरा नाम आशा है और हम यही रेड़ी फड़ी का काम करते हैं, फेरी वगैरह लगाने का। और क्या आप जानते हैं आज कौन सा दिन है? हाँ, हम जानते हैं आज वो मंडे है। तो क्या बाकी में मान रहे हैं कि आज मंडे है? अब हम काम करने वाले रेड़ी फड़ी वाले, कभी फेरी लगाने चले जाते हैं, कभी शॉप पर बैठते हैं, तो हमारे को इस वो मंडी से हमारे को कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है। तो जैसे अभी बीते महीनों कोरोना महामारी भी थी, तो उसके बाद से कैसा आपको सरकार द्वारा मिल रहा है? सरकार द्वारा से जो हमारे को थोड़ी बहुत सहायता मिली हमारे को लॉकडाउन में, जैसे राशन वगैरह मिल गया, बाकी जैसे अब रेड़ी फड़ी के लिए जो सरकार ने लोन निकाली है तो हमारे को 10,000 रुपये लोन भी मिला है, पर ये जो रोजमर्रा की जिंदगी है इसके लिए काफ़ी नहीं। तो सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से हम यही उम्मीद रख रहे हैं कि अब बोल रहे हैं कि जैसे अब ये 10,000 का लोन है, अगर आप किस्त बाई किस्त भर दोगे तो इसके बाद 50,000 रुपये मिलेगा आपको। अब देखो ये तो सरकार के ऊपर है, सरकार चाहेगी तो महिला को किसी भी तरफ ले जा सकती है, और अभी तक जो सरकार ने जो कुछ भी किया है मेरे हिसाब से तो थोड़ा ठीक ही किया है, पहले से तो ज़्यादा बेटर हुआ।